नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट में बनने वाले हरे प्याज और आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते और आज के लाइक का गोल रखते 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरा प्याज, और प्याज को देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और चाहिए हमें आलू, तो मैंने आलू को काट के पानी में रखा है। तो हरा प्याज और आलू आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम पैन में ले लेंगे 4 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। साथ ही हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट के। डालेंगे हम 5-6 लहसुन को बारीक चॉप करके। साथ ही हम 1 इंच अदरक को भी बारीक चॉप करके डाल देंगे। आलू को हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आधा चम्मच हम डालेंगे नमक और आधा चम्मच हल्दी। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक आलू हमारा अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और हल्का सॉफ्ट भी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए आलू को फ्राई कर लिया है। आलू का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे हरा प्याज। 10 मिनट के अंदर आपका ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा और खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर, साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाले। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और सब्जी को ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और बीच बीच में खोल के हम बार बार स्पैचुला से चलाते भी जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या जब तक आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 4-5 मिनट बाद हमारा आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और खोल के सब्जी को पूरी तरीके से हम ड्राई कर लेंगे। और देखा ना आपने कितना इजी है आज की रेसिपी बनाना। आलू भी देखिए पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। बहुत ही कम मसाले में हमारे ये हरा प्याज की टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो जाते हैं, और रोटी पराठे के साथ खाएंगे ना आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस खोल के हम 2 मिनट और सब्जी को ड्राई करेंगे। तो खोल के मैंने 2 से 3 मिनट सब्जी को पूरी तरीके से ड्राई कर लिया है। हमारे हरे प्याज की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे हम 1 प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।